How to fix Redmi 4 cellular network not available problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलुलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सेलुलर नेटवर्क जो है किसको कहते हैं, ठीक है। आपका जो यहाँ पर नेटवर्क है उसी को हम सेलुलर नेटवर्क बताते हैं, या फिर दोस्तों आपका जो डेटा नेटवर्क है उसको भी हम यही कहते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई भी एरर आ जाते हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि सेलुलर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन को ध्यान से सुनिएगा और अपना प्रॉब्लम को फिक्स जरूर से कर लेना, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ताकि कोई भी दिक्कतें आपको ना हो और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखिए, ठीक है। अगर फ़ोन रिस्टार्ट के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर रिस्टार्ट के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप अपने फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो फ्लाइट मोड दोस्तों करने के बाद एक मिनट वेट कीजिए और इसको ऑफ़ कर दीजिए। अभी आप चेक करके देखिए आपका सेलुलर नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर सेम प्रॉब्लम है तो आप सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कीजिए, ठीक है। सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर पे निकाल लीजिए और उसके बाद दोबारा से अंदर पे भर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते तो सेटिंग पर जाए, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क को ओपन करें और अपना सिम को ऑन कर लीजिए। उसके बाद प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाके नेटवर्क को स्विच कीजिए। अगर 4G पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, 2G या फिर 3G किसी एक पर कनेक्ट करके देखिए, ठीक है, या फिर 4G पर ही आप दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा और अगर नेटवर्क अवेलेबल है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी करके देख सकते हैं, साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करके आप नेटवर्क को मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक नेटवर्क पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मैन्युअल नेटवर्क सेलेक्ट करके देखें, इस बटन को टैप कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको मैन्युअल नेटवर्क पर चले जाना है। कुछ नहीं करना है, बस टैप करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद अपने आप आपको मैन्युअल नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैन्युअल नेटवर्क पर दोस्तों आप कनेक्ट करके अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको करना क्या है, नेटवर्क सेटिंग को भी रिसेट कर लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, मैं आपको बता देता हूँ, मोर पे, और लास्ट में आपको मिलेगा नेटवर्क सेटिंग रिसेट, तो उसमें टैप करना है, रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है, फ़ोन पासवर्ड भर देना है और उसके बाद ओके करते हुए इसको रिसेट कर देना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करें और चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर आपको इस तरह का दिक्कतें आते रहते फ़ोन पे, तो आप अबाउट फ़ोन पर जाइए और फ़ोन सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा, ठीक है। सारे सारे आप कॉल सेंटर यानी कि कस्टमर केयर या तो फिर नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके पूछिए कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको किस वजह से आ रहा है और कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो भी आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताएगा। मान लीजिए दोस्तों आपके नंबर से उनको कॉल भी नहीं जा रहा है, तो आप किसी दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए एयरटेल सिम पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरे एयरटेल सिम को ही लेना होगा, ठीक है, तो सेम नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके के लिए आपको सेम सिम कार्ड किसी रिलेटिव्स का या फिर दोस्त का लेके कॉल करके पूछ लेना है, तो वो आपको बता देगा कैसे प्रॉब्लम फिक्स करना है। तो बस ये था दोस्तों सॉल्यूशन आज के लिए, बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।